वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। जी हां, 16 जून दिन रविवार। आइए जानते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन, खास अपडेट, बने रहिएगा अंत तक, जानेंगे हर एक नई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिये, आज गंगा दशहरा है तो भगवान शिव को लगाइएगा ये भोग, मिलेगा अभय वरदान। जी दोस्तों, आज गंगा दशहरा है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बहुत खास महत्व रखता है। इस बार 16 जून आज के दिन गंगा दशहरा पड़ा है और माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी, तो सनातन धर्म में गंगा दशहरा का खास महत्व रखा गया है। फिलहाल इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और लोग दान वगैरह करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, तो इस अवसर पर भगवान शिव जी की पूजा का महत्व भी बहुत हो जाता है। देखिए, गुड़ का भोग आज आप जरूर लगाइएगा। देखिए, गंगा दशहरा के दिन गुड़ का भोग आप जरूर लगाइएगा, यह मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। साथ ही सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। शहद का भोग भगवान शिव को जरूर लगाइएगा, इससे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तो ये चीज आप जरूर करिएगा, आज गंगा दशहरा है। कॉमेंट में हैप्पी गंगा दशहरा जरूर लिखिएगा। वही बात करें पहली बड़ी खबर की, तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस जिले में 1,00,000 घरों में लगेंगे सोलर पैनल, 90,000 रुपए मिलेगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बरेली जिले में 1,00,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। बिजली निगम के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र सोनकर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। योजना के तहत 2 किलोवाट पर 90,000 रुपए और 1 किलोवाट पर 45,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। आपको बताते चले, PM सूर्य घर.gov.in की वेबसाइट जाकर आपको पंजीकरण कराना होगा। दोस्तों आपको बता दें, पंजीकरण के बाद एक मैसेज मोबाइल पर आएगा। अगर मैसेज आ गया है तो इसका मतलब आपका नाम योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल हो गया है और वेबसाइट पर वेंडरों की नाम की सूची रहेगी। इनसे सोलर पैनल खरीदे जा सकते हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए में 90,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, तो फटाफट लगा लीजिए। आवेदन नहीं किए तो करा लीजिए, क्योंकि सोलर पैनल लगने के बाद आपकी बिजली का बचत भी होगा और आगे चलकर आपके पैसे बचेंगे और साथ ही आप बिजली भी बेच पाएंगे। तो भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। प्रयागराज में गर्मी ने 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रात का पारा 34 डिग्री पार हो गया। लखनऊ में सुबह ही पारा 33 डिग्री पार कर गया। आज भी 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। यूपी की गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। रातें अब बेहद गर्म हो रही हैं। 30 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री के ऊपर रहा। सोनभद्र और भदोही में शुक्रवार रात तापमान 35 डिग्री क्रॉस कर गया और शनिवार को भी भीषण गर्मी रही है। आपको बताते चले, यहां रात का न्यूनतम पारा 34 डिग्री रहा। बात प्रयागराज की कर रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया और कहीं पर भी बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार को भी भीषण गर्मी आज के दिन पड़ेगी। इन शहरों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सोनभद्र और भदोही में 20 साल पहले रात का पारा 34 डिग्री तक गया था। प्रयागराज में 1898 के बाद पहली बार जून में पारा 34 डिग्री के पार पहुंचा है। अयोध्या में गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 22 जून को यूपी में एंट्री करेगा मानसून। यूपी में मानसून की एंट्री का समय आपको बता दें तो 2 दिन लेट चल रहा है। फिलहाल 22 जून को मौसम आ जाएगा, मानसून आएगा और बारिश होगी। 7-8 दिन में मानसून यूपी के वाराणसी के रास्ते आ जाएगा। 27-28 जून तक पूरे यूपी में मानसून के बादल जाएंगे और भारी बारिश होगी। वही नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से मिलेंगे, बोले कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्ते के अंदर इस पर अपने पक्ष रख दे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप का आरोप है कि गुजरात के गोधरा में जय जल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दिए थे। कश्यप ने कहा कि सेंटर पर ड्यूटी दे रही टीचर सहित 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के हालातों पर 16 जून को हाई लेवल मीटिंग होगी। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले भी शामिल है। अमित शाह ने 16 जून को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें एनएसए अजीर डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। आपको बताते चले, बीजेपी ऐसी सरकार है जो लगातार ये कहती चली आई है कि मैंने आतंकवाद समाप्त किया है, लेकिन जब से सरकार बनी है 2024 में, इस बार मोदी की 3.0 वाली सरकार, लगातार आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। पत्रकार रजत शर्मा ने ठोका जयराम रमेश और रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस। पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और 2 अन्य प्रवक्ताओं पर मानहानि का मुकदमा ठोका है। इस मामले में अंतरिम राहत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पार्टी के 2 प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस किया है।
दरअसल दोस्तों कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मंगलवार को दिल्ली के तुगलक लेन पुलिस थाने में इंडिया टीवी के एडिटर एंड चीफ पर केस फाइल कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान रजत शर्मा ने उन्हें गालियां दी थी। रागिनी नायक ने मांग की थी कि रजत शर्मा को इस मामले में बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वही लखनऊ में बिजली चोरी करते पकड़े गए 65 लोग, हॉस्टल मालिक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है, आज भी चलेगा अभियान। दोस्तों लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ लेसा में अभियान तेज कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 65 लोगों के यहां पर 2 किलोवाट से लेकर 18 किलोवाट तक की बिजली चोरी पकड़ी गई है। तो जगहों पर विवाद भी हुआ लेकिन पुलिस ने मामला शांत करा दिया, आज भी बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलेगा। दोस्तों ओपी राजभर बोले, मोदी योगी को जनता ने नकार दिया है। बलिया में कहा, हमने गठबंधन धर्म निभाया, अब खुली बगावत करेंगे। जी हां, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में बेटे को मिली हार का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा है। बलिया में उन्होंने कहा, जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया, अब हम तो खुली बगावत करेंगे। अगर मुझसे उन लोगों की मुलाकात हो गई तो मंच से ही कह दूंगा कि इनको वोट मत देना, इनको हरवा देना। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी और समर्थकों ने गठबंधन में जो जहां लड़ा उसे एक एक वोट दिया। यूपी में 3 साल और सत्ता है, आगे विधानसभा चुनाव में मजबूत होकर भाजपा से और सीटें ले लेंगे। राजभर ने बुधवार को यह बयान रसड़ा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में दिया है। तो दोस्तों हरिद्वार में वीकेंड से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच गई है। गंगा दशहरा के दिन 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि अभी से फुल हो गए हैं होटल और पार्किंग। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आना शुरू हो गई है। आपको बता दें बड़ी संख्या में आज ही गंगा दशहरा पर बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। अब श्रद्धालुओं की इस वजह से हरिद्वार की धर्मशाला, होटल, पार्किंग भी लगातार फुल हो रही है। वहां पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्लान भी तैयार किया है। तो प्रति किलोमीटर टोल वसूलने में पायलट प्रोजेक्ट में कानपुर हुआ शामिल, नए हाईवे पर ट्रायल होगा। प्रति किलोमीटर टोल वसूलने में पायलट प्रोजेक्ट में कानपुर शामिल हो गया है। कानपुर में नए बने कानपुर अलीगढ़ फोर लेन हाईवे पर इसका ट्रायल होगा। कम यात्रा करने पर 60 किलोमीटर का देना होता है टोल, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन दिक्कतों से राहत मिलेगी। NHI के जगह जगह टोल वसूली के लिए लगने वाले टोल प्लाजा बैरियर की जरूरत नहीं होगी। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और आए दिन टोल को लेकर मारपीट की घटनाएं भी रुक जाएंगी। टोल प्लाजा पर स्कैनर से फास्टैग रीड न होने पर, वॉलेट में पैसा होने पर बैलेंस न दिखाने की दिक्कत नहीं होगी। वही दोस्तों राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आपको लेना है फ्री राशन तो 30 जून तक आप EKYC करा ले, वरना कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा आपका राशन कार्ड, यानी किसी काम का नहीं रह जाएगा और आपके यूनिट जितने भी हैं वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। केंद्र सरकार हर महीने देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक ये अभियान चल रहा है जिसमें EKYC कराई जा रही है। जो राशन कार्ड धारक इस तारीख तक EKYC नहीं कराएंगे उन्हें जुलाई में राशन नहीं मिलेगा। KYC जन वितरण प्रणाली यानी कि कोटेदार की दुकान पर फ्री हो रहा है, तो जाकर करा ले। 18 जून को किसान निधि का पैसा आएगा, लेकिन इससे पहले हजारों लाखों किसान बाहर हो चुके हैं किसान निधि से। कहीं आपका भी नाम तो नहीं है? आप ये जान लीजिए कि किन चीजों के ना होने पर, किन चीजों की कमी होने पर आपको किसान निधि नहीं मिलेगी। PM नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पदभार संभालते हुए किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया और 18 जून को किसान निधि का पैसा जारी करेंगे, यानी बस 2 दिन ही बाकी है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले, 4 महीने के अंतर पे जो 2000 रुपए मिलता है वो 18 तारीख को तो मिल जाएगा, लेकिन जिन किसानों को नहीं मिलेगा वो आप जान लीजिए वो ऐसे कौन से किसान है। लाभार्थी की बैंक डिटेल गलत होने पर वो लाभ नहीं पाएंगे, गलत बैंक डिटेल होने की वजह से भी लाभ उनको नहीं मिलेगा। बहिष्करण श्रेणी के तहत आने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक न होने पर किसान निधि नहीं मिलेगी। आवेदक की आयु 18 साल से कम होगी तब भी किसान निधि नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर किसान धारक EKYC नहीं कराते तो किसान निधि नहीं मिलेगी, इसलिए आप फटाफट करा लीजिए वरना आप किसान निधि नहीं पाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर RBI का एक्शन, करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका है। RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कई दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है, इसके चलते उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। जी हां दोस्तों, RBI ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में बैंक के खिलाफ लगभग 2.25 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका है। वही विपक्षी दलों में यूपी में सबसे वरिष्ठ अखिलेश यादव हैं, बिना हारे सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। देश की नई सरकार के गठन के बाद 18 जून से जब लोकसभा का पहला सत्र 18 जून से शुरू होगा तो उसमें कन्नौज संसदीय सीट के खाते में एक खास उपलब्धि होगी। जी हां, नव निर्वाचित सपा मुखिया अखिलेश यादव सदन में यूपी विपक्षी सांसदों के खेमे में सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे। यूपी से सपा और कांग्रेस के जितने भी सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं उनमें अखिलेश यादव सबसे ज्यादा 5 बार के सदस्य रहे हैं। तो दावों की हवा में उड़ती फाइल, कानपुर मेयर पर अखिलेश का तंज, प्रमिला पांडे ने भी जवाब दिया है। कानपुर मेयर पांडे गुस्से में एक मीटिंग के दौरान इंजीनियर के सामने ही फाइल घुमाकर फेंक दी। उन्होंने रिपोर्ट में पाई गई अशुद्धियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। अब इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है।
उन्होंने कहा यह यूपी की भाजपा सरकार के बेबुनियादी दावों का हवा में उड़ती फाइल है। कानपुर के मेयर का दिखावटी गुस्सा जनता को पता है। सिर्फ कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में बीजेपी मेयरों ने जनता को धोखा दिया है। ऐसे में मेयर ने भी अखिलेश को जवाब दिया। शुक्रवार को नालों का निरीक्षण शुरू कर चुके मेयर ने सपा प्रमुख की पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मेयर प्रमिला पांडे ने कहा जिस किसी ने सार्वजनिक रूप से उनके पिता से माइक छीन लिया उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया। मैं जो कर रही हूं अपने शहर के लिए कर रही हूं। मैं सुबह 10 बजे घर से निकलती हूं और रात तक शहर में रहती हूं। ऐसा उन्होंने बयान दिया। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।